आज की सबसे बड़ी खबर है कि कोरोना के भयावह स्थिति को देखते हुए, तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और हाई अथॉरिटी के लोगों की एक लंबी मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि CBSE के 10th के 4 मई से होने वाले एग्जाम नहीं होंगे, उन्हें प्रमोट किया जाएगा और 12th के 4 मई से 14 जून तक होने वाले एग्जाम 1 जून के रिव्यू मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा कि एग्जाम कब होंगे और उन्हें 15 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। तो 10th के स्टूडेंट को जो प्रमोट किया जाएगा उसमें मार्किंग किस आधार पे होगा वो CBSE बोर्ड के अंडर आएगा और बोर्ड ही डिसाइड करेगी कि किस आधार पे स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे। अगर जो भी मार्क्स मिले हैं बोर्ड की तरफ से उससे कोई भी स्टूडेंट ना खुश है तो वो एग्जाम दे सकता है और उसके लिए बोर्ड एक टाइम और डेट डिसाइड करेगी। और 10th में टोटल 21,50,000 और 12th में 14,30,000 लगभग 36 लाख स्टूडेंट कि ये रिजल्ट की बात है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इतने स्टूडेंट की लाइफ कैरियर एक अंधेरे में है। वो CBSE